अक्षय कुमार एक ऐसे एक्टर है जिनकी साल में कम से कम 3 से 4 फिल्में रिलीज हो जाती है, और कोविड के बाद तो उनकी फिल्मों को पहले जैसा रिस्पॉन्स मिलना भी बंद हो गया है। लेकिन फिर भी अक्षय कुमार की रेगुलरली हर साल 3 से 4 फिल्में रिलीज हो जाती है, और वैसे इस साल भी उनकी टोटल 5 फिल्में रिलीज होने वाली है, और एक बड़ी फिल्म है जिनमें वो कैमियो करते हुए भी नजर आएंगे, और इन सभी फिल्मों के बारे में हम वीडियो में आगे वन बाय वन बात करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो अक्षय कुमार का करियर कोविड के बाद कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी अक्षय की फिल्मों के रिलीज होने की स्पीड बिल्कुल भी नहीं रुक रही, जैसे वो पिछले साल 3 फिल्मों में नजर आए थे। वैसे ही वो अपनी पहली फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ से इस साल की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें उनके अलावा में टाइगर श्रॉफ भी लीड रोल में नजर आएंगे, और अक्षय कुमार की जितनी भी आने वाली फिल्में हैं उनमें से इस फिल्म की हाइप सबसे ज़्यादा है, और इस फिल्म को टोटल 300 करोड़ के बजट में बनाया गया है, जहां इस फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने इस फिल्म से अक्षय कुमार को अगेन एक्शन अवतार में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और इसके अलावा इस फिल्म का टीजर भी कुछ दिनों पहले रिलीज़ किया गया था, जो कि काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसके बाद रिलीज़ हुए इस फिल्म के गाने उतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थे। खैर, ये फिल्म 10 अप्रैल 2024 को रिलीज़ होगी, और क्या इस फिल्म से अक्षय का कमबैक होगा या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वेल, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के रिलीज़ के बाद अक्षय कुमार एक और रीमेक फिल्म में नजर आने वाले हैं, जहां पर वो सूर्या के करियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी सूर्या राय पोटरू के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे, जिसका टाइटल रखा गया है सरफिरा, और इस फिल्म को भी ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर सुधा कोंगरा ने ही डायरेक्ट किया है, और इस फिल्म के अंदर सूर्या भी हमें एक छोटे से कैमियो अपीयरेंस में नजर आने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये एक ऐसी फिल्म का रीमेक है जिसे हिंदी मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी पसंद किया गया है, और सूर्या राय पोटरू ऑलरेडी एक बहुत ही मास्टरपीस फिल्म है, और क्या ये रीमेक ओरिजिनल के साथ जस्टिस कर पाएगी, और अगर इस फिल्म का पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल जाता है तो क्या ये फिल्म उतना कलेक्शन कर पाएगी जिससे कि इस फिल्म का बजट रिकवर हो पाए। वैसे देखा जाए तो ये फिल्म 2 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है। सरफिरा फिल्म के रिलीज़ के 2 महीने बाद ही अक्षय कुमार की एक और फिल्म रिलीज़ होगी स्काई फोर्स, और ये फिल्म एक एरियल एक्शन फिल्म होने वाली है, जो कि 1965 में हुए इंडिया पाकिस्तान के वॉर पर बेस्ड होगी, और इस फिल्म से अक्षय कुमार पहली बार किसी एरियल फिल्म में नजर आने वाले हैं। वैसे आजकल देखा जाए तो इंडिया में एरियल फिल्में कुछ ज़्यादा ही बन रही है, लेकिन उन फिल्मों को वो रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अक्षय कुमार की ये फिल्म उस कर्ज को दूर करेगी, और अभी के हिसाब से ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज़ होने के लिए स्केड्यूल्ड है। स्काई फोर्स के रिलीज़ के बाद अक्षय कुमार वेलकम सीरीज की 3rd इंस्टॉलमेंट में भी नजर आने वाले हैं, और इस फिल्म की अनाउंसमेंट कुछ महीनों पहले ही काफ़ी बड़ी स्टारकास्ट के साथ की गई थी, और इस फिल्म का टाइटल रखा गया है वेलकम टू द जंगल। लेकिन अगर सच कहूँ तो इस फिल्म की हालत काफ़ी ख़राब होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म की स्टारकास्ट में हमें जैकलिन और दिशा पाटनी भी नज़र आती है, जो कि ढंग से एक्टिंग कर ले वही बड़ी बात है, बाकी उनसे कॉमेडी की तो कोई उम्मीद ही नहीं रख सकते, और ऊपर से इस फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट करने वाले हैं, जिन्होंने इससे पहले बागी 2, बागी 3 और हीरोपंती 2 जैसी फिल्में डायरेक्ट की है, और इन सब चीज़ों को देखने के बाद सच में इस फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। और क्या ये फिल्म ओरिजिनल वेलकम जैसा इंपैक्ट क्रिएट कर पाएगी या नहीं, वेल, ये फिल्म इसी साल 20 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है। इन सभी फिल्मों के अलावा अक्षय कुमार शायद इसी साल श्री शंकरन नायर की बायोपिक में भी नज़र आ सकते हैं, वहीं वो सिंघम अगेन और मराठी फिल्म वीर दौड़ले साथ में भी कैमियो करते हुए नज़र आएंगे। वेल, आप इनमें से कौन सी अक्षय कुमार की फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सो, ये थी साल 2024 में रिलीज़ होने जा रही अक्षय कुमार की फिल्मों की लिस्ट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। बाकी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।